फटाक 30 सेकंड में खबरें, डाउनलोड कीजिए तका। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक नए रंग रूप में और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद अब चर्चा उम्मीदवारों के नाम को लेकर शुरू हो गई है, लेकिन लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी उस सीट को लेकर है जहां से योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ने वाले हैं। इससे पहले मांग की जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ें। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो ये बीजेपी के लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। मंगलवार को दिल्ली में कोर कमेटी की मीटिंग की गई, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। इस मीटिंग में उस सीट को लेकर भी चर्चा की गई जहां से सीएम योगी खुद चुनाव लड़ेंगे। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि योगी आदित्यनाथ या तो अयोध्या से या फिर गोरखपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। अयोध्या में हो रहे भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर अगर योगी आदित्यनाथ यहां से चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी को काफी अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो बीजेपी के पाले में ही ये सीट है। 2017 में बीजेपी के वेद प्रकाश गुप्ता ने यहाँ से जीत हासिल की थी। वहीं अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर पहले से ही बीजेपी का गढ़ माना जाता है, पूर्वांचल की पॉलिटिक्स का पावर हब यानी कि गोरखपुर। अगर गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं तो ये बीजेपी का एक बड़ा चुनावी दाव साबित होगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी इशारा कर चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कि जब योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में खड़े होंगे तो समाजवादी पार्टी का वो कौन सा चेहरा होगा जो योगी के सामने नजर आने वाला है। पिछले दिनों सीएम योगी ने अपने बयान में कहा था कि पार्टी जहां से चाहेगी वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे, और अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, संभावनाएं ज्यादा है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ें। अब योगी कहां से चुनाव लड़ेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल चुनाव की खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।